और भगवान पशुपति नाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति अस्त्र के बराबर होता है अगर हम उस व्रत को धारण करते हैं। पशुपति अस्त्र हमारे बस का नहीं है, पशुपति व्रत हमारे बस का है और संसार वासियों के लिए वेद व्यास जी ने पशुपति व्रत का स्मरण कराया कि 5 सोमवार का व्रत होता है, हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर थाली को वापस लेकर आ जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठ कर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है, जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से तब करे। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए, बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहे दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापिस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापिस सजाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया, बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए, बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी तीज पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए श्रीफल भेंट कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर बाबा को दिल से प्रार्थना कर फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है, उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपति नाथ का व्रत जो जीव के कल्याण हेतु किया है, जीव कल्याण हेतु किया जाए, संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु किया जाता है, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु किया जाता है और संपूर्ण आनंद को देने वाला होता है, ये जीवन को सुख प्रदान करने वाला होता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाएं, हम उसके भरोसे हो जाएं, उसके चरणारविंद में हमारी दृढ़ता प्रबल हो जाए,
हम उसके आश्रित इतने हो जाएं कि जो करेगा मेरा ओमकारेश्वर बाबा करेगा, जो करेगा मेरा महाकाल बाबा करेगा, जो करेगा मेरा कुबेर भंडारी करेगा। और मेरा बाबा, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ये मानकर चलना जैसा बाप अपने बच्चे की उंगली को पकड़कर चलता है, बाप को ठोकर लग जाती है तो बाप बच ले, उसी तरह अपनी औलाद को ठोकर नहीं लगने देता, वो औलाद को गोदी में झेल लेता है, उसको गिरने नहीं देता, वो गिरने नहीं देता। अच्छा, दुनिया समझती है कि परमात्मा नहीं देख रहा है, दुनिया समझती है कि भगवान नहीं देख रहा है। तुम अपने मोबाइल का डाटा ऑन ऑफ कर सकते हो, तुम्हारा मोबाइल ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी कभी ऑफलाइन भी हो जाएगा, तुम्हारे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा, ऑफलाइन हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल का डाटा ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन पूरी जिंदगी रहता है। मेरा परमात्मा ऑनलाइन रहता है हमेशा, वो देखता रहता है कि तेरे कर्म क्या है, तूने क्या कर्म किया, तूने कैसे भजन किया, तूने कैसे स्मरण किया, तू क्या करा, किसका दिल दुखाया, क्या करा तूने। मेरा परमात्मा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर श्वास हर क्षण में ऑनलाइन है, वो हर पल है, बस उसको महसूस करने वाला चाहिए। उसको कब महसूस करता है व्यक्ति, जब बड़ी खुशी का समय आता है तो परमात्मा याद नहीं आता, परमात्मा शादी में ब्याह में घर में कोई कार्यक्रम हो उसमें भगवान की कोई पूजन हो रही ना तो तुरंत, अरे कोई बात नहीं शादी में लेट हो रहे हैं, इतनी देरी हो रही, माता पूजन जाना है, मंडप का समय है, मांडा डालना है, मायरे का समय है, मायरा होना है, नी अनी समान ऐसे करा दो पंडित जी, ऐसे करा दो नी अनी समान ऐसे करा दो। मांडा का समय है, मंडप का समय है, पंडित जी ऐसे करा दो नी अनी समान, कोई बात नहीं अपने ऐसा काम ऐसे करा दो, ऐसे करा दो, बस ऐसे ही करा दो। तो एक काम करा करो, जब ब्यूटी पार्लर वाली तुम्हें तैयार करे तो उस समय भी बोल दो नी अनी समान ऐसे कर, नी अनी समान कर दो, तो पार्लर वाली भी एक को तो पेंसिल लगाए दूसरे को गाय धागे से, दो घंटे तक वो बाल ऐसा ऐसा इधर से नोची गया, अब मालूम पड़े तुमने कह दिया धागा टूट गया। अब उस समय पर पूजन के समय पे क्या बोल रही, नहीं आई नहीं ऐसी करा दो, अब मालूम पड़े वो धागा से कर रही थी, धागा ही टूट गया, उसकी गिट्टी में धागा नहीं है, फिर रहने दे, अब एक से तो भानुमती लग रही और दूसरी से राम प्यारी लग रही, अब पता नहीं तुम तो ऐसे ही करा लो। अरे बाबा, शिव को पहचानना बहुत कठिन है, शिव को मेरे ओघड़दानी को जानना बहुत कठिन, मेरे शंभू को पहचानना बहुत कठिन, बहुत। और धीमा बजाओ भोलानाथ। देखो, हमारे पास में एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरुजी आज भजन बिल्कुल मत गाना। उसका कारण यह है, गुरुजी हम बड़ी मुश्किल से सूखी जगह में बैठे हैं, तुम्हारे भजन के चक्कर में हम खड़े होंगे और दूसरा सूखी जगह में बैठ जाएगा और हमारी जगह चली जाएगी, इसीलिए भजन मत गाना। परंतु देखो, शिव पुराण में हम वैसे भी ज्यादा भजन नहीं गाते, एक या दो भजन बड़ी मुश्किल से कहीं मिल गया तो उसको गुनगुना लेते हैं। तुम्हारा मन होए तो